हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बी डी यू दैट इज़ भारती दर्शन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या उनकी तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे यस पीएचडी न्यू सेशन के लिए अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं एंड आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हों एंड ऑल्सो एलिजिबल हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उन्हें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी ये है ऑफिशियल वेबसाइट

पहले तक आप कर सकेंगे ऑनलाइन टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट कब होगा सो थर्टीन मार्च ट्वेंटी को आपका एंट्रेंस होगा एंड क्लियरली लिखा ही है दैट ऑनलाइन ही होगा बाकी इंफॉर्मेशन अभी हम देखते हैं उसके अलावा कॉन्टैक्ट में यहाँ पे फोन नंबर एंड ई मेल दी हुई है सो so, कोई भी इशू होता है कोई क्वेरी है सो so आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च सेंसर्कुलर्स कोड ऑफ इथिक्स पीएचडी एडमिशन गाइड रिसर्च सेंटर रेगुलेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो यस अप्लाई करने से पहले एक बार आप इन सभी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं नाउ यहाँ पे मेन में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं सबसे पहले हैं, online PhD application form, then है ऑनलाइन पी एच डी एप्लीकेशन फॉर्म देन है रिसर्च सेक्शन मैनेजमेंट सो बेसिकली एक ही पोर्टल ओपन होता है हम इसे ओपन करते हैं सो so यस yes, ये है पोर्टल पहले ये ये वैसे मोबाइल वर्जन है लेट मी ओपन दी डेस्कटॉप वर्जन फर्स्ट सो so येस yes, अब है डेस्कटॉप वर्जन तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बस ये थोड़ा सा अच्छे से सेग्रीगेटेड वे में आई थिंक दिख रहा है सो so यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल हो रहा related, तो है इन्फॉमेसन पी एच डी एंट्रेंस से रिलेटेड दैट एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं थर्ड जैन से फोर्थ फेब तक आप अप्लाई कर सकती हैं बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आई I मीन mean, स्क्रॉल हो रहा है बट आप एक बार वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या, -क्या लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से मैंडेटरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चीज़ें लिखी हुई हैं नाव सेकेंड ऑप्शन

एंड एंड इट इट इज़ इज़ फॉर एप्लीकेंट्स के लिए नाउ डिटेल्स हैं सो डेट्स आपने ऑलरेडी देखी है थर्ड जनवरी uh, से स्टार्ट हुआ एंड एप्लीकेशन एंड होगा फोर्थ फेब को दैट इज तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम की डेट है थर्टीथ मार्च सो आप इंस्ट्रक्शंस एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा अब हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस सो यस ये है नोटिफिकेशन क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम मार्च 2022 ट्वेंटी टू ऑल द एंड येस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ऑल द कैंडिडेट्स हैविंग पी जी डिग्री प्रिसाइडिंग इन इंडिया और अब्रॉड लुकिंग फॉर पी एच डी प्रोग्राम आर रिक्वायर टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एक्सेप्ट नेट सेट क्वालिफाइड लेस दैन फाइव ईयर्स अगर आपने लास्ट फाइव ईयर्स में नेट या सेट क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना क्यों क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है एंड आप एग्जेमटेड होते हैं बट हाँ सपोज आपने फाइव ईयर्स से पहले नेट क्वालिफ़ाई किया है तब आप एग्जेमटेड नहीं है बेसिकली तब आप अप्लाई करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम देंगे ओके सो नेट क्वालिफाइड एज पर दिस नोटिफिकेशन आपको अप्लाई नहीं करना है नाउ यहाँ पे आप फुल टाइम पार्ट टाइम करना चाहते हो तो कर सकते हैं उसके उसी से रिलेटेड लिखा है दैट कैंडिडेट्स प्लान टू प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एफिलियेटेड कॉलेजेस एंड अदर अप्रूव रिसर्च सेंटर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर्ड हैं सो आर्ट्स फैकल्टी की बात करें सो इसमें इकोनॉमिक्स है देन एजुकेशन Or educational technology or adult education or lifelong learning, then history, HRM, Indian culture and tourism, philosophy, physical education or yoga. पॉलिटिकल साइंस दैन साइकोलॉजी और काउंसिलिंग साइकोलॉजी दैन सोशल वर्क सोशोलॉजी एंड वेमेन स्टडीज देन साइंस फैकल्टी की बात करें सो बायो केमिस्ट्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स दैन बायोमेडिकल साइंस देन बायोटेक और माइक्रो बायोटेक मरीन बायोटेक इन्वामेंटल बायोटेक जीम टेक देन बॉटनी ऑफ प्लांट बायोटेक और प्लांट साइंस देन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल राइट सेवेंथ है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इमिडिएट सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोजी इन्फॉर्मेशन साइंस और data science 8th environmental management 9th environmental science then 10th fashion tech and cons costume designing 11th geography or applied geography 12th geology or applied geology 13th is hospital administration 14th is hotel management and catering science or food service management and dietetics then 15th library and information science 16th marine science 17 maths or applied maths then Eighteenth microbiology, nineteenth physics or electronics or nanotech, then twenty psychology, twenty one rehabilitation science, twenty two remote sensing or geoinformatics, then twenty third stats or.

क्ट बट जो मेन सब्जेक्ट है जैसे इसके so, so, अगर आप अप्लाई कर, तो कर सकते हैं पहले हम उनकी बात करते so, हैं आपने फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप इलिजिबल हैं फिफ्टी परसेंट मार्क्स अगर है एससी एस टी ओबीसी के तो आप इलिजिबल हैं परसेंट का रिलेक्सेशन है नाव कैंडिडेट्स जो अभी फाइनल ईयर में है वो परस्यू कर रहे हैं अभी पीएजी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं बट ये जो एंट्रेंस है इसका जो पहली बात की वैलिडिटी फाइव इयर्स की होती है ये जो पास सर्टिफिकेट है वो तभी इश्यू होगा जब आप एक अटेस्टेड कॉपी शो करेंगे जिसमें प्रॉपर आपके मार्क्स हो पीजी डिग्री के नाउ यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है ये है लिंक इसी को अभी हमने देखा भी था उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है सो so, लिंक में आई विल ट्राई कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई I मीन mean, मिल जाए ओके okay? कोई भी हार्ड कॉपी अभी आपको सेंड नहीं करना है राइट right? ऑनलाइन ही सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको अपलोड करनी है बट हाँ फाइनल जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको अपने पास रखिएगा या फाइनल प्रिंट जो होता है वो सेव कर लीजिएगा एज पी एप्लीकेशन फी बता दिया ऑलरेडी लास्ट डेट है फोर्थ फेब देन ऑनलाइन एग्जाम होगा थर्टीन

कॉलेजेस हैं इन सभी से रिलेटेड इफॉर्मेशन जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा था ना इनिशियली उसे आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हों एंडस अच्छी इंस्टीट्यूट है सॉरी uh, अच्छी यूनिवर्सिटी है अच्छा इंस्टीट्यूट है आई थिंक एन आई रैंकिंग में भी था अच्छी रैंकिंग की आई एम नॉट श्योर दो सो आप उसे चेक कर लीजिएगा एंड येस दैट इज इट फॉर टुडे ये था आज का वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग